कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और निरीक्षण हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। शीर्ष अदालत ने जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति JP पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल रहे। कोर्ट ने मामले में 8 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया। इसमें एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन के अतिरिक्त कई अन्य डॉक्टरों के नाम को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही और काम करने की स्थिति सुरक्षित नहीं है तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। ज्यादातर युवा चिकित्सक घंटों काम करते हैं। हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। वहीं कोलकाता में पुलिस ने एक व्यक्ति को पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया है।